आज बुधवार को रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले की जांच में सामने आए ड्रग एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। रिया के अलावा दो और आरोपियों को जमानत दी गई है। वहीं उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सुबह 11 बजे इस मामले पर सुनवाई की और तुरंत अपना फैसला सुना दिया। रिया चक्रवर्ती के अलावा जिन दो लोगों को जमानत दी गई है उनमें दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा भी शामिल है। वहीं रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 29 सितंबर को सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 29 सितंबर को इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं मंगलवार को एनडीपीएस कोर्ट ने रिया शोविक सैमुअल दीपेश बासित और जैद की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 5 शर्तों पर जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि रिया पासपोर्ट जमा करे और मुंबई पुलिस को हर दिन 10 दिनों के बाद रिपोर्ट करे। अदालत ने कहा कि 1,00,000 रुपए की बेल बॉन्ड भरे और वह देश नहीं छोड़ सकती। इसके साथ ही मुंबई से बाहर जाने के लिए उन्हें मंजूरी भी लेनी होगी। इसके साथ ही वह किसी और गवाह से नहीं मिल सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिया को रिहाई के बाद 10 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा अभिनेत्री को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। साथ ही वह अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं और जांच अधिकारी को बिना सूचित किए वह मुंबई के बाहर नहीं जा सकती। बता दें कि मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार से 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। विशेष अदालत ने इससे पहले अभिनेत्री और उनके भाई की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सीबीआई अभिनेता को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के लिए रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ एक मामले की अलग से जांच कर रहा है। बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने 8 सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री रिया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रिया को मुंबई के भाईखला जेल में भेज दिया गया था। रिया पिछले 1 महीने से इसी जेल में बंद है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।